2014 से पहले एनसीपी कांग्रेस की सरकार ने मराठा आरक्षण 16% और 5% मुस्लिम आरक्षण का निर्णय लिया था, जिसका अध्यादेश निकला। सरकार बदलने के बाद वो लैप्स हो गया और कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर हरी झंडी दिखाई थी। पिछली सरकार ने उस पर निर्णय नहीं लिया। हमारे घोषणा पत्र में, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, शिवसेना के घोषणा पत्र में मुस्लिम आरक्षण की बात थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में हम लोगों ने बैठ के तय किया है कि मुस्लिम आरक्षण का निर्णय ये सरकार लेगी। अभी इस विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में है तो निश्चित रूप से आगे निर्णय लेंगे। उस पर किस तरह से कानूनी तौर पे जाना है, न्यायालय ने मान्यता दी है पढ़ाई के लिए, नौकरी पे किस तरह आगे जाना है, सारी चीजों पर विचार करके हम आगे निर्णय लेंगे।